हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुएटर कैसे वर्क करता है एंड एक्चुएटर को हम कौन सी पाइपलाइंस पे इंस्टॉल करते हैं एंड इसे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या काम करता है एंड कैसे काम करता है। तो इसे फर्स्ट हम चिल्ड वाटर की इनलेट और आउटलेट पाइपलाइंस पे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी हमारा FCU लोकेटेड होगा, फैन कॉइल यूनिट, वहाँ पर जो इनलेट और आउटलेट पाइपलाइंस होंगी उन पाइपलाइंस में ये इंस्टॉल किया जाता है। थ्री वे वॉल या टू वे वॉल के ऊपर इसे इंस्टॉल किया जाता है एंड ये वर्क करता है रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मान लो अगर आपका रूम में टेम्परेचर 25 है एंड आपको 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर रूम का चाहिए तो ये इस पोजीशन में फुल ओपन होगा। तो पाइपलाइंस का जो ये जो वॉल्व है पाइपलाइन में, ये वॉल्व फुल ओपन हो जाएगा एंड पानी पूरा FCU में जाएगा। अगर आपको रूम में टेम्परेचर 24 डिग्री चाहिए तो ये इस तरह से हाफ ओपन होगा, यानी कि इस तरह से ये वॉल्व को ऊपर ले आएगा एंड वॉल्व हाफ ओपन होगा। हाफ ओपन होने से जो पाइपलाइंस में पानी है वो हाफ पानी जाएगा, यानी कि थोड़ा पानी जाएगा। एंड जब भी रूम में टेम्परेचर आपके सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो ये फुल वॉल्व क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरह से एंड पाइपलाइंस में पानी FCU में नहीं आएगा। तो ये इसका मेन यूज होता है, इसे चिल्ड वाटर की पाइपलाइंस में ही इंस्टॉल करते हैं। VRV, VRF या स्प्लिट यूनिट में इसका यूज नहीं किया जाता है। एंड बात करते हैं इसे कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। एंड ये एक थ्री वे वॉल्व है, सो इसको हम कुछ इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। देन ये हमारा इंस्टॉल हो गया एंड फिर इसे हम कनेक्शन दे देंगे वायरिंग, देन ये वर्क करने लगेगा। अभी ये जो पोजीशन है ये इसकी क्लोज पोजीशन है, ये वाल्व हमारा क्लोज है, अभी ये हाथ से ओपन नहीं हो सकता। जब भी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर देंगे तभी ये ओपन होगा। एंड इसे ओपन कैसे करते हैं, तो ये इधर से हम पुश करेंगे, इधर से पुश करेंगे एंड रोटेट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। एंड ये बेसिक रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ऐसे और HVAC से रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जय हिंद।